राम राम दोस्तों, बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:19 और मैं निकल चुका हूँ हॉस्पिटल से घर की। और एक्चुअली कल डोजेज वगैरह थे, सो रात में डोजेज किए, देन मॉर्निंग में डोजेज करके एंट्री वेंट्री करके निकल चुके हैं, क्योंकि अब ड्यूटी पर गए हैं तो ओवर वगैरह देके निकलना पड़ता है अपने सीनियर को, ताकि उन्हें भी पता रहे कि हाँ भाई नाइट में क्या हुआ था और उन्हें क्या लगाया गया था। सो वो सब फाइल वाइल में लिखना, नोट वगैरह करके ये सब रहता है काम। वो होने के बाद अब निकल चुके हैं। एक्चुअली कल एग्ज़ाम था, सो एक फॉर्म मिला था उसमें साइन वाइन करवा लेके आनी थी जहाँ से आप ड्यूटी कर रहे हो, तो वही लेके जाना पड़ेगा वापस अपने इंस्टीट्यूट में और जमा करना है। तो साइन वाइन हो गया है, दो चार लोग का मिल चुका है फॉर्म एक साथ, तो जाके दे देंगे उसे और फिर निकलेंगे घर की ओर। गुरुवार, मौसम काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली नौतबा ख़त्म हो गया तो थोड़ा राहत है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ, काफ़ी गर्म था और अभी तो ठीक लग रहा है काफ़ी। बड़ी मशक्क़त से तो मिली बस, इतनी सारी बसेस लगी हुई थी लेकिन वो सब बासिफाबाद, मतलब रेड बस वाली, रेड फाटे वाली बस थी, तो रुकने को देख ही नहीं रही थी। फिर जेम देवी वाली बस मिली, अब चलते हैं जूना फाटा और देते हैं अपना एग्ज़ाम लेटर। एग्ज़ाम लेटर नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेटर विच वी हैड डन पास्ट मंथ। लेट्स गो। इसके बाद फिर से बस चेंज करनी पड़ेगी वहाँ से वहाँ, मिलती है तो ठीक, नहीं तो फिर कल के जैसा बल्लार जूना फाटा से चंद्रपुर, फिर चंद्रपुर से डायरेक्ट बल्लार शो, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे तैसे पहुँच चुका हूँ चंद्रपुर से बल्लाशाह, मशक्क़त भरा सफ़र। एक्चुअली है 17 किलोमीटर लेकिन उसके बीच में बस रुकती नहीं है, सोचो मुझे इतना प्रॉब्लम है तो लोगों आम और लोगों क्या ही प्रॉब्लम होंगी। कोई बात नहीं, थोड़ा दिन, एक दो दिन का प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद तो फिर मुझे डायरेक्ट वाली बस मिल जाएगी। निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, एक्चुअली कॉल किया था शिशिर को ताकि छोड़ दे मुझे वो, तो चलते हैं। आज के मौसम काफ़ी अच्छा था क्योंकि बारिश भी थी और आज मैं कहीं नहीं गया, डायरेक्ट हॉस्पिटल से आया घर और फिर सोते रहा, दैन फिर थोड़े बहुत काम किए, ब्लॉग वगैरह एडिट करने थे अपलोड करके, बस यही काम किया आज, ज़्यादा नहीं क्योंकि थक गया था एक्चुअली दो दिन से। सो आज है वादन, दो पथक रहेंगे शायद, एक खीर करनी और एक दूसरा, तो चलो देखते हैं क्या सीन है उसके बाद निकलेंगे। मेरे को भी याद आया कि आज वादन है, एक्चुअली हम लोग वादन नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो ये सीन है, देखते हैं। इवेंट कितने बजे तक था ये तो नहीं पता था, पता है मतलब 6 बजे का था, लेकिन अब क्या करें, दैट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल होगा, ख़त्म हो गया होगा शायद अभी वादन, वो होना चाहिए। चालू है प्रोग्राम, मेरे ख्याल से वादन हो चुका है ख़त्म और ढोल छोड़ के निकल रहे हैं, अब चलते हैं नाइट शिफ्ट और करते हैं अपनी ड्यूटी। वादन देख के आए, वादन तो ख़त्म हो चुका था, फिर मुझे लेट भी हो रहा है, सो लिए कुल्फ़ी हम दोनों ने, खाते खाते निकल चुके हैं चंद्रपुर के लिए, चलते हैं चंद्रपुर और लेते हैं अपनी नाइट शिफ्ट का ओवर और करेंगे नाइट शिफ्ट। ये है बल्लारशाह हमारा, काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं यहाँ, और होना भी चाहिए।